दोस्तों अगर आपने भी अपने इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन को रिसेंटली अपडेट किया है तो उसके बाद यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही होगी। जब भी आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कोई रील्स वगैरह पब्लिश करना चाहते होंगे या कोई पोस्ट वगैरह लगाते होंगे तो उसमें जब आप हैशटैग लगाते हैं तो पहले आप यहाँ पे 20-30 हैशटैग भी लगा देते थे, लेकिन जब से नया अपडेट आया उसके बाद से 5 से ज़्यादा हैशटैग यहाँ पे नहीं लगा पा रहे हैं। जैसे आप इसको लगाते हैं तो यहाँ पे आपको एरर आ जाता है और उसमें लिखा होता है कि आप 5 से ज़्यादा हैशटैग यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो आज के वीडियो में आपको इसी का सोल्यूशन बताऊंगा कि यहाँ पर अगर आप 5 से ज़्यादा हैशटैग नहीं लगा पा रहे हैं अपने इंस्टाग्राम अपडेट करने के बाद तो आप इस प्रॉब्लम को किस तरह से सोल्व कर सकते हैं और किस तरह से पहले की तरह ज्यादा हैशटैग का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे इन्होंने एक नया ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर दिया है कि हैशटैग तो आप यहाँ पे 5 ही लगा सकते हैं, लेकिन नीचे की साइड आपको ऐड टॉपिक का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि आपका हैशटैग की तरह ही वर्क करता है। यहाँ पे ऐड टॉपिक पे क्लिक करके आप यहाँ पे 3 अलग अलग टॉपिक और ऐड कर सकते हैं जो कि आपकी रील से यहाँ पे मैच करते हैं, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पे पहले की तरह ज्यादा हैशटैग ही यूज करने हैं तो उसका क्या प्रोसेस है उसकी डिटेल आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं कि इंस्टाग्राम के रिसेंट अपडेट के बाद आप यहाँ पे अपनी रील्स वगैरह में या अपनी पोस्ट में 5 से ज्यादा हैशटैग को किस तरह से यूज कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आप जो एप्लीकेशन अपनी इंस्टाग्राम की यूज कर रहे हैं इसको यहां से आपको अनइंस्टॉल करना होगा। अब अनइंस्टॉल क्यों करना होगा वो मैं भी आपको बता देता हूं। सबसे पहले इसको अनइंस्टॉल करना होगा। अनइंस्टॉल करने के बाद आपको यहां पे चले जाना है गूगल पे और गूगल पे जाने के बाद यहां पर आपको सर्च करना है दोस्तों इंस्टाग्राम ओल्ड वर्जन। इस तरह से आपको इंस्टाग्राम ओल्ड वर्जन लिख के यहाँ पे सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ पे आपको काफी तरह की वेबसाइट मिल जाएंगी, तो चलिए फर्स्ट वाली को ओपन कर लेते हैं, अप टू डाउन वाली को। अब जैसे आप इसमें से किसी भी वेबसाइट को ओपन करेंगे और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इंस्टाग्राम के आज तक के जितने भी वर्जन पब्लिश हुए हैं वो सभी वर्जन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट अपडेट यहाँ पे 30 अप्रैल का है, उससे पहले 30 अप्रैल को एक और अपडेट आया था, यानी कि 2 अपडेट यहाँ पे 30 अप्रैल को आ चुके हैं, उससे पहले 24 अप्रैल का अपडेट है, पहले आपको 19 अप्रैल का अपडेट देखने को मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे 1 से 2 महीने यानी कि 1.5 से 2 महीने पहले का कोई भी वर्जन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं सी मोर पे क्लिक करूंगा तो आज तक के और भी ओल्डेस्ट वर्जन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे फरवरी या फिर मार्च के स्टार्ट का आपको यहाँ पे कोई भी वर्जन सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसे आपको इंस्टॉल करना है, अपने इंस्टाग्राम की यूजर नेम और पासवर्ड का यूज करके इसमें आपको लॉगिन कर लेना है। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि लेटेस्ट वर्जन में आपको 5 हैशटैग की जो रिस्ट्रिक्शन दिया गया, यानी कि 5 हैशटैग से आप ज्यादा यूज नहीं कर सकते, लेकिन पहले आप ज्यादा हैशटैग यूज कर पाते थे। तो अगर आप ओल्ड वर्जन को यहाँ पे अपने फोन में इंस्टॉल कर लेंगे तो पहले की तरह आप यहाँ पे ज्यादा हैशटैग वगैरह को यूज कर पाएंगे। बस यही एक मेथड है दोस्तों जिसके थ्रू आप अपने इंस्टाग्राम पे किसी पोस्ट को करते टाइम या फिर रील्स वगैरह पब्लिश करते टाइम 5 से ज्यादा हैशटैग का यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन के साथ ही रहना पसंद करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे 5 हैशटैग का ही ऑप्शन मिलेगा। 5 के बाद आप छठा हैशटैग यहाँ पे नहीं लगा पाएंगे, सिर्फ आपको यहाँ पे ऐड टॉपिक का ऑप्शन मिल चुका है, इसमें आप अपने अदर टॉपिक भी ऐड कर सकते हैं जो कि आपके मेन टॉपिक से रिलेटेड हो। लेकिन अगर आपको 5 से ज्यादा हैशटैग यूज करने हैं तो जो मैंने तरीका आपको बताया, आपको अपने लेटेस्ट वाले वर्जन को अनइंस्टॉल करना है और जो वेबसाइट मैंने आपको बताई गूगल पे जाकर सर्च करना है, पुराना वर्जन आपको इंस्टॉल करना है, अपने इंस्टाग्राम आईडी से लॉगिन करना है और उसके बाद आप यहाँ पे जितने भी चाहे पहले की तरह आप हैशटैग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। पहले आप यहाँ पे 25 से 30 हैशटैग यहाँ पे यूज कर पाते थे तो ओल्ड वर्जन में अभी भी आप उतने यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।